फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उज्मा और आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पालक के पत्ते लिए हैं, जिसको कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 250 ग्राम पनीर, जिसके मीडियम साइज के टुकड़े कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज फाइन चॉप की हुई, एक मीडियम साइज का टमाटर फाइन चॉप किया हुआ, 5 हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंग, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 कप क्रीम और 1 टेबलस्पून घी। अब हम उबलते हुए पानी में पालक को डालेंगे और इसे बिना ढके हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अगर हम इसे ढक देंगे तो पालक का कलर चेंज हो जाएगा। पालक को उबलते हुए 4 मिनट हो गए हैं, तो अब हम पालक को पानी से बाहर निकाल लेंगे ताकि हम इसकी अब प्यूरी बनाएं। अब हम पैन गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे, इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसके बाद से हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। पनीर के क्यूब्स को बस हमें हल्का सा फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। पनीर फ्राई हो गया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में बचा हुआ घी डालेंगे। घी गरम हो गया है और अब हम इसमें ये साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसाले डालने के बाद से हम इसमें ये कटी हुई प्याज डालेंगे। और जब हम प्याज डालेंगे तो इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से पक जाए। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और ये मसाले डालेंगे, धनिया, जीरा पाउडर और नमक। और अब हम इसे सिम आंच पे ढक के पकाएंगे, जब तक ये टमाटर और ये प्याज सारा मिलके पूरा पेस्ट ना बन जाए। अब हम लिड को हटाएंगे और देखिए टमाटर और प्याज दोनों बिल्कुल मैश हो चुके हैं और मसाले जो हमने डाले थे वो भी अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ये पालक की प्यूरी डालेंगे। पालक पीसते वक्त मैंने वो जो हरी मिर्चें ली थी वो भी साथ में इसमें पीस ली थी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद से हम इसे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे और इसके लिड को ओपन ही रखना है, हमें ढकना नहीं है। अगर हम ढकेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें अपने पालक पनीर का कलर बहुत अच्छा सा ग्रीन चाहिए। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे सिम आंच पे पकाया है और आप देख सकते हैं कि जो घी था वो कैसे सेपरेट होने लगा है। तो अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे ऐसे ही रहने देंगे। पालक पनीर बनके तैयार है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है और इसे बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।